हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे FEA का बुक 4 मॉड्यूल 2 डे 7। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक का नाम है गेट रेडी फॉर द कॉन्टेस्ट, मतलब आपको समझ में आ गया होगा आपका जो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है, अगले टॉपिक में कॉन्टेस्ट है, इसमें देखो कौन कौन सा बच्चा जीतता है। ठीक है, तो आपका जो कॉन्टेस्ट है, जो भी राइटिंग राइटिंग स्किल पे कॉन्टेस्ट होगा, तो जो इसका राइटिंग स्किल अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा, हर चीज़ सही रहेगा, कैपिटलाइजेशन सही रहेगा, मतलब कि एवरी थिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एवरी थिंग, तो वह जीत जाएगा उस कॉन्टेस्ट को। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या है आप समझना है। ठीक है, उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके कहने से वीडियो आ रहा है, आपने आप ही मैसेज करते हैं सर जल्दी से जल्दी वीडियो को अपलोड कर दीजिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में एक मैसेज भी कर दीजिएगा थैंक यू सर, तो इससे अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए आपको दिया है लेसन ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्या है। नो द विजुअल रिप्रेजेंटेस आइडियाज कैन ऐड प्रोसेस राइटिंग, मतलब को विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके आपको राइटिंग स्किल को बढ़ाना है। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगला मैं बता रहा हूँ। नो द फ्लो चार्ट एग्जाम्पल विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिसिंग क्रिएटिंग फ्लो चार्ट, तो मतलब को फ्लो चार्ट आपको समझना है, फ्लो चार्ट क्या है वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो हम दिखा के करते हैं, जैसे कि वास्तविक जो मतलब कि हम प्रदर्शित करते हैं, जो चीज़ें हम दिखा के प्रदर्शित करते हैं उसे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ नीचे। ठीक है, और फ्लो चार्ट मतलब होता है जैसे कि डायग्राम शोइंग समथिंग मीन्स स्टेप टू बाई स्टेप, मतलब कि ऐसा कोई चीज़ जैसे जो मतलब डायग्राम बना के आप दीजिए, उसको स्टेप टू स्टेप आप कर दीजिए, वही होता है, प्रोसेस होता है एक फ्लो चार्ट। ठीक है, तो नीचे इसके बारे में है बता रहा हूँ। देखिए मोक रिव्यू मोक लर्निंग आउटकम्स वीक 3 एंड डिफाइन देयर ओन लर्निंग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मतलब कि मोक 3 की जो वीडियो आपने देखा है उसको मतलब कि एक अपने लर्निंग में आप एक फॉलो करिए, और राइटिंग स्किल पे फॉलो करके आपको कॉन्टेस्ट को जीतना है, मुख्य के वीडियो जो आपने देखा है। ठीक है, अगला क्या है, सपोर्टिंग की एग्जांपल्स क्लियरली एंड कॉन्शियसली। ठीक है, मतलब कि जो की एग्जांपल्स है राइटिंग स्किल के, जो सपोर्टिंग की एग्जांपल्स हैं उसको आपको समझना है। ठीक है, प्रोग्रेस ऑन लैंग्वेज मिनिमल पेयर कॉमन ग्रामेटिकल एरर, मतलब आपको कॉमन ग्रामेटिकल एरर पर ध्यान दे के, ठीक है, आपको आपको करना है। ठीक है, आपको पढ़ना है कॉमन ग्रामेटिकल एरर, मतलब कि जिसमें आप इसमें वीक में आप मिनिमल पेयर पर ध्यान दे रहे हैं, एडवर्ब पर ध्यान दे रहे हैं, तो इस सब चीज़ को फॉलो करना है, आप उससे अपने लैंग्वेज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पार्ट बी दिया है फ्लो चार्ट। ठीक है, पार्ट बी दिया है दोस्त फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट पार्ट बी दिया है, तो देखिएगा पार्ट बी फ्लो चार्ट देखेंगे, क्या वेटिंग फ्लो चार्ट है ये, इसमें मतलब कि दिया ही होता है फ्लो चार्ट, मतलब को स्टेप टू स्टेप मतलब चीज़ों को प्रदर्शित करना, जैसे दिखाना, इसमें यही होता है फ्लो चार्ट, मतलब इसमें पहले क्या है प्रिपेयरिंग किया गया, फिर हेयर स्टाइल किया गया, मतलब हेयर स्टाइल किए तब वहाँ पर मतलब कि रेडी हुए वहाँ पर जाने के लिए, सेरेमनी के लिए सब चीज़ तैयार, एक प्रोसेस से एक सब चीज़ें हुआ है ना, तो उसका वही होता है एक प्रोसेस, आप मतलब शोइंग समथिंग डायग्राम में, मतलब वही होता है फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये बेडिंग का फ्लो चार्ट है, ये आपको समझना है कैसे कैसे किया गया है, ये आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये तो हो गया आपका, और इसमें आपको एक और देंगी मैम, देंगी क्लास में कि आप राइटिंग का फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, राइटिंग का फ्लो चार्ट बनाएंगी, तो आप कैसे बनाएंगी मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे बना लीजिएगा राइटिंग फ्लो चार्ट, आप ऐसे एक चित लीजिएगा। ठीक है, चित लीजिएगा, ये यहाँ पर लिख दीजिएगा राइटिंग, यहाँ पर आप लिखेंगे राइटिंग, मतलब कि लिख दीजिएगा राइटिंग प्रोसेस, फिर इस एक फिर एक बार फिर ले लीजिएगा, और मतलब कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर राइटिंग फ्लो चार्ट लिख दीजिएगा, राइटिंग फ्लो चार्ट। ठीक है, राइटिंग फ्लो चार्ट लिखिएगा, यहाँ पर एक खींच लीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे प्लानिंग करेंगे किसी चीज़ को सोचेंगे, टॉपिक पे सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, टॉपिक सोचेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे, अगला बना लीजिएगा, थॉट ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब ये ऐसे बनाइए मतलब चार्ट की तरह रहे, फ्लो चार्ट की तरह रहे, तो यहाँ पर आप थॉट ऑर्गेनाइज फिर लिख दीजिएगा, प्रूफ रीडिंग ऐसे करके, प्रूफ रीडिंग पोस्टर बना दीजिएगा, वैसे आप बना लीजिएगा प्रूफ रीडिंग, फिर रिटिंग कर लेना है, और उसके बाद आपका
लास्ट में आप लिख लीजिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या आपको कह सकते हैं कि इन लास्ट आप कह सकते हैं पब्लिश द बुक, ठीक है। तो ऐसे आपको राइटिंग स्किल का बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट इस क्लास में आपको बताया जाएगा कैसे बनाना है, ठीक है। और एसएबी में आपको ध्यान देना है, एसएबी में आपको एक रीराइट करके लिखा है लिखना रहेगा, जो आपने स्नाइपर की कहानी लिखा है एज टूरिस्ट, एज मॉन्क, एज मदर, एज सोल्जर, तो उसको आपको फिर से लिखना पड़ेगा उसमें एक मतलब विधिवत लिखना पड़ेगा, सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, एवरीथिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको एवरीथिंग ध्यान देना पड़ेगा और बढ़िया से लिखिएगा, कोई गलती ना हो पाए, क्योंकि आप अभी गलती करेंगे तो आप लास्ट दिन भी गलती करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप गलती नहीं करें, आप बढ़िया से लिखिएगा। और आपके जो अगला दिन अगला टॉपिक जो आएगा उसमें कॉन्टेस्ट रहेगा, आपको राइटिंग स्किल कॉन्टेस्ट रहेगा, तो अब मैं आशा करता हूँ आप लोग जीत के आएंगे। और इसमें कुछ टॉपिक में था नहीं, क्यूज था, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, या हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो कहीं कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी ऑफिस लेटर दिक्कत हो, कुछ भी आपको जानना हो, तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं सर, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा कि मैं आपको पूरा बता दूंगा फ्यूचर में क्या आपका होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दैट्स इट।